Press the bell icon on your YouTube app and get the yummy updates on your mobile. Hello and welcome to RJ Payal's kitchen. Today we'll be making Bombay Chapati Sandwich. वो भी बची हुई चपातियों से. So let's start. इसके लिए सबसे पहले एक पैन में 3-4 छोटे चम्मच तेल लेंगे. उसमें डालेंगे लंबे कटे हुए प्याज. मैंने एक प्याज लिया है. इसे 1 मिनट तक या फिर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे. अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए कॉर्न्स यानी कि मक्के और आधी कटी हुई शिमला मिर्च. ऊपर से डालें नमक और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर. अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे. हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है. अब ले बची हुई चपाती, उस पे स्प्रेड करें हरे धनिया की चटनी और फिर वो मिक्सचर रखें जो अभी अभी हमने बनाया था और ऊपर से डालें ग्रेटेड चीज. अब इसके ऊपर दूसरी चपाती रखें, दोबारा हरी धनिया की चटनी लगाएं, अब रखें कटे हुए टमाटर और कटे हुए प्याज, ऊपर से छिड़के थोड़ा सा नमक और चाट मसाला और थोड़ा नहीं बहुत सारा चीज. अब आएगी एक और चपाती, दोबारा हरे धनिया की चटनी लगाएंगे और रखेंगे कटे हुए खीरे, ऊपर से डालेंगे नमक और चाट मसाला. चीज पिछली बार थोड़ा सा कम लग रहा था तो सोच रही हूं कि थोड़ा सा और डाल लेते हैं. और ये आ गई लास्ट वाली चपाती. अब ले एक तवा और उस पर लगाएं बटर और सैंडविच को तवे पर रखकर 2 मिनट के लिए ढककर पकने दें. 2 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से सैंडविच को पलट दें. अब दोबारा इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकने दें. लीजिए हमारा बॉम्बे चपाती सैंडविच एकदम तैयार है. खाइए, खिलाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा.